हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ओपन एंड क्लासेस। ये न्यू टॉपिक है और इसमें थोड़ा सा चेंजेज है। जितना भी आपने मेन का क्वेश्चन पिछला सॉल्व किया है उससे थोड़ा सा ये क्वेश्चन डिफरेंट है, और वो जो डिफरेंट है वो फ्रीक्वेंसी में है। तो इसको क्वेश्चन में अच्छी तरह से समझेंगे, वो डायरेक्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन का ही सॉल्व करेंगे और उसी क्वेश्चन से अच्छी तरह से इस टॉपिक को समझेंगे, ओपन एंड क्लासेस को। तो ये रहा क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए दिया लेस फ्रॉम मार्क्स दिया है, मतलब जो दिया हुआ है इसमें 10-20 उससे कम, जिससे 0 to 10, 10 to 20 इस टाइप से हो जाएगा। ये आपका क्लास इंटरवल में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और जो अगला दिया हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट, इसको ध्यान से देखिए, ये जो दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी नहीं है। क्योंकि क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो होता है वो डिसअरेंज रहता है, बट ये क्या है असेंडिंग ऑर्डर में है, तो ये फ्रीक्वेंसी नहीं, ये है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो इसी से फ्रीक्वेंसी निकलेगा। तो चलिए आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्लास इंटरवल लिखेंगे, जो दिया हुआ लेस फ्रॉम मार्क्स दिया हुआ ना, यानी उससे कम, तो क्लास इंटरवल सी आई। तो ये जो है लेस फ्रॉम दिया है ना, यानी 0 to 10 हो जाएगा, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, इसी तरह करके 90 तक चल जाएगा। और आपका क्वेश्चन में दिया है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसको बोलते हैं सी एफ। ये एफ नहीं दिया हुआ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो कितना कितना दिया है 5, 15, 98, 242, 367, 405, 425, 438 और 439। ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। तो अब इससे निकालेंगे, सबसे पहले फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, ठीक है। नहीं, पहले एम बी निकाल लेते हैं, मिड वैल्यू जो 0 to 10 है डिवाइडेड टू, 0 10 10 डिवाइड टू, तो कितना हो जाएगा 5। एक कॉमन फैक्टर कितना का है 10 का है, ठीक है। तो 10 10 ऐड करते जाएंगे तो 15 हो जाएगा आपका, 25, 35, 85। अब निकालेंगे फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से निकालेंगे आप फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले जो है ये 5 है, तो इसको 5 का 5 लिखेंगे। अब 15 में क्या करेंगे, 15 में 5 को लेस करेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 10। 98 में 15 माइनस करेंगे तो ये आपका आएगा 83। 242 में 98 माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 144। इसी टाइप से 367 में 242 लेस करेंगे तो आएगा 125। 405 में माइनस करेंगे 367 तो आपका आ जाएगा इसमें 38। फिर 425 में माइनस करेंगे 405, ये तो आ जाएगा 20। 438 में माइनस करेंगे 425 तो ये आ जाएगा आपका 13। एंड लास्ट ये दिया हुआ है 439 में 438 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1। ये निकल गया फ्रीक्वेंसी। अब आगे बनाएंगे, ये स्टेप डिवीजन मेथड से बना रहे हैं, तो ये डायरेक्ट निकालेंगे डी एस, ठीक है। तो डी एस का फॉर्मूला क्या होता है, डी एस का फॉर्मूला होता है आपका एम माइनस ए डिवाइड आई, ठीक है। ये डी एस का निकालने का फॉर्मूला है। तो एज्यूम करते हैं, एज्यूम करेंगे 45 को, इसको लेते हैं, ठीक है। एज्यूम मेन कितना 45। अब देखिए एम कितना है, एक देखिए यहाँ सॉल्व करके दिखा रहे हैं कि एम कितना है 5 माइनस ए, ये कितना है 45 डिवाइड आई, यानी ये जो कॉमन फैक्टर है वो कितना का 10 का, तो यहाँ 10 हो जाएगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा माइनस 40 डिवाइडेड 10, तो ये आपका आ जाएगा माइनस 4। इसी टाइप से करके सबका निकालना है, तो ये इसका आ जाएगा माइनस 3, माइनस 2, माइनस 1, 0, 1 2 3 4। अब निकालेंगे एफ डी एस, एफ ओ डी एस को मल्टीप्लाई करके निकालेंगे एफ डी एस, तो ये माइनस में है तो माइनस 20, माइनस 10 3 30, उसके बाद कितना है 83 है ना, माइनस में है 3 2 6, 8 2 16, ये भी माइनस में है, ये 1 है तो 1 माइनस 144, 0 38 40, 13 3 39 और 4 1 4, ये निकल गया। अब चलिए प्लस पॉइंट वाला कितना है पहले उसको लिखते हैं,
121 है, ठीक है, 121 है, 121। अब देखेंगे कि माइनस वाला कितना है, माइनस वाला ज़्यादा लग रहा है ना, तो चलिए इसको ऊपर में ही लिखते हैं। 6 4 10, 3 3 6, 6 6 12, 12 4 16 का 6 एंड में 1 1 1 2 3, 360 है। अब इसको करेंगे तो आ जाएगा 9, 5 में 2 3 1 में 2, 3 में 1 गया तो 2, ये माइनस में आएगा क्योंकि माइनस वाला बड़ा है, तो ये आपका आ जाएगा -239। ये निकला FDS। अब टोटल फ्रीक्वेंसी कितना है, ये निकला आपका टोटल फ्रीक्वेंसी। अब चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो मीन इज इक्वल टू ए प्लस समेशन FDS डिवाइड एन इंटू आई। तो ए कितना लिए थे 45 को, प्लस FDS कितना आया माइनस है ना, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, डायरेक्ट यहाँ कर दीजिए प्लस माइनस माइनस। 239 डिवाइड एन कितना है, यानी टोटल फ्रीक्वेंसी 439 इंटू 10। तो ये आपका आ जाएगा। अब नेक्स्ट हो जाएगा 45 माइनस, इसको कैलकुलेशन करने से आएगा आपका 5.44। इसीलिए आंसर आ जाएगा 45 में 5.44 माइनस करेंगे तो 6.6539 यह आ जाएगा आपका मेन इज इक्वल टू 39.56 आंसर, स्टेप डेविएशन मेथड से। चलिए और एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। ये भी क्वेश्चन सेम ही है, ये इनकम लेस देन है और नंबर ऑफ पर्सन जो दिया है वो भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के फॉर्मेट में दिया हुआ है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन भी सेम ही बनेगा क्वेश्चन नंबर 25 के जैसा, बट इसको क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्लास इंटरवल होगा, इसमें भी लेस देन बोला है, इनकम लेस देन इन, यानी इसमें भी होगा आपका 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25। अब इसमें जो CF दिया हुआ है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो कितना कितना दिया हुआ है, 6, 10, 28, 38, 46, ये भी असेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ है ना। पहले मिड वैल्यू निकाल लेते हैं, m 0 to 5 कितना हो जाएगा, 5 डिवाइडेड 2, यानी 2.5, कितना का डिफरेंस है 5 है ना, 5 5 8 कर जाएंगे, सॉरी यहाँ हो जाएगा 7.5, 12.5, 17.5, 22.5। अब निकालेंगे फ्रीक्वेंसी, जैसा पिछला क्वेश्चन में निकाले थे सेम वैसा ही निकालेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में ना, तो ऊपर से नीचे की ओर चलेंगे। तो ये 6 है, 10 में 6 माइनस करेंगे तो 4, 28 में 10 माइनस करने से आएगा 18, 38 में 28 माइनस करने से 10 आएगा, 46 में 38 माइनस करने से आपका आएगा 8। ये निकल गया फ्रीक्वेंसी। अब निकालेंगे FM, क्योंकि ये बना रहा है डायरेक्ट मेथड से। तो चलिए F है, ये M है, आप दोनों को मल्टीप्लाई करके, तो ये आपका आ जाएगा 0.30, ये भी हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा, या 15 हो जाएगा, इसका 30 होगा। अब ऐड कर दीजिए तो ये जाएगा 5 5 10 5, 15 का 5, 1 और 1 2 3 5, 5 2 7 7 7 14, 14 और 8, 22 का 2 हैंड में 2 2 2 4 5 6, 625.0, यानी 625 निकला समेशन F। अब टोटल फ्रीक्वेंसी कितना है,
सिक्स फोर टेन, टेन और एट एटीन, एटीन और एट ये हो जाएगा 26 का 6 एंड में 2 2 2 4 तो समझते हैं ना कितना निकला 46। तब इसका फॉर्मूला लगाएंगे मीन इज इक्वल टू समेसन एफ एम बाय समेसन एफ, ये आपका हो जाएगा 625 डिवाइड 46। तो मीन इज इक्वल टू निकलेगा आपका 46 है ना, तो डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 1.58। मीन इज इक्वल टू निकला 13.58। ये हो गया आपका इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए भी और एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 जो है ये थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट है, इसमें मोर देन दिया हुआ है और इसमें जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ है। ये मोर देन है तो इसमें आपका हो जाएगा 10 to 20 क्लास इंटरवल, तो ये हो जाएगा आपका 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 50 to 60, 60 to 70, 60 to 70। अब इसमें जो दिया हुआ है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है आपका 50, 42, 36, 27 और 3, ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया है। पर देखिए ये जो है ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, इसको क्या करेंगे नीचे से किया जाएगा, ठीक है निकाला जाएगा फ्रीक्वेंसी। तो पहले मिड वैल्यू निकालते हैं, तो 10 to 10 और 20 30 हो जाएगा, 30 डिवाइडेड 2 ये आपका जाएगा 15। कितना का 10 का डिफरेंट है तो 10 ऐड करते जाएंगे 25, 35, 45, 55 और 65, ये निकल गया मिड वैल्यू। अब निकालेंगे एफ फ्रीक्वेंसी, तो देखिए ये डिसेंडिंग है तो इसको नीचे से लिखेंगे, नीचे से निकालेंगे 3, 7 में 3 माइनस करने से 4, 20 में 7 माइनस करने से 13, 36 में 20 माइनस करने से 16, 42 में 36 माइनस करने से जाएगा 6 और आपका 50 में 42 माइनस करने से आएगा 8, ये निकल गया फ्रीक्वेंसी। याद रखिएगा डिसेंडिंग ऑर्डर में नीचे से और असेंडिंग ऑर्डर में ऊपर से लेस करते हैं। अब निकालेंगे एफ एम, तो ये एम रहा ये एफ रहा, 15 into 35, 16 into 35, 0, 6, 560, 45 into 13, तो हो जाएगा आपका 220, 55 into 4, नहीं नहीं ये आपका निकल जाएगा 585, और ये निकलेगा 5 4 20, 5 4 20, 22, 220, और ये हो जाएगा 5 3 15, 6 3 18 और 1 19, ये निकला आपका एफ एम। तो अब समेशन एफ एम निकालेंगे, टोटल को ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 0, 1830। अब समेशन एफ ये निकल जाएगा आपका 50। अब इसका फॉर्मूला मीन इज इक्वल टू समेशन एफ एम बाई समेशन एफ, तो ये आपका निकला कितना 1830 डिवाइड समेशन एफ कितना निकला 50, 0 0 0 0 तैसे कट गया, ये आपका आ गया 5 3 जा 15 बचा 33 हो गया, 5 6 जा 30.56 जा 30, ये निकल गया आपका क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर डायरेक्ट मेथड से। और एक क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप से जो क्वेश्चन नंबर 30 है, देख ये भी मोर देन है और नंबर ऑफ स्टूडेंट जो दिया हुआ है वो भी डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ है, तो ये भी सेम ही बनेगा। क्लास इंटरवल टेन टू ट्वेंटी, 20 to 30, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90, ये हो गया क्लास इंटरवल।
अब इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है कितना कितना, 250, 198, 127, 96, 84, 60, 35 और 15। तो पहले मिड वैल्यू निकालेंगे 10 और 20, 30, 15 का, 10 ऐड करते जाएंगे, 10 का डिफरेंस है ना, इसीलिए 45, 55, 65, 75 और ये 85। अब निकालेंगे फ्रीक्वेंसी, ये भी देखिए क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर में है, तो इसको भी नीचे से निकालेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 15, 35 में 15 माइनस करेंगे तो 20, 60 में 35 माइनस करेंगे तो 25, 84 में 60 माइनस करेंगे तो 24, 96 में 84 माइनस करेंगे तो 12, 127 में 96 को लेस करेंगे तो ये आपका आएगा 31, 198 में माइनस करेंगे 127 तो ये आपका आएगा 71, 250 में 198 माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 52। ये निकल गया फ्रिक्वेंसी। अब निकालेंगे FM, ये भी डायरेक्ट मेथड से FM, तो चलिए इसको 30, 780, 1775 इसी तरह करके निकालते जाइए। ये निकल गया, आप इसको टोटल करेंगे, ठीक है, आप क्या करेंगे, टोटल करेंगे, जीरो नाइन थाउजेंड नाइन हंड्रेड, ये निकल गया समेशन FM। अब टोटल फ्रीक्वेंसी देखेंगे कितना है, जिसको समेशन F बोलते हैं, ट्वेंटी फाइव, ये निकल गया। अब इसको फॉर्मूला में डन करेंगे, समेशन FM डिवाइड समेशन F, तो ये आपका कितना निकला, 9900 डिवाइड 250, जीरो जीरो कट गया, तो मेन इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 9.6, ये निकला 39.6 आंसर। आई होप आप लोगों को चारों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। चारों क्वेश्चन में दो क्वेश्चन क्या था, असेंडिंग ऑर्डर में था उसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और डिसेंडिंग ऑर्डर में था दो क्वेश्चन, और दो क्वेश्चन मोर देन था, दो क्वेश्चन लेस देन। तो अगर इसी तरह का किसी क्वेश्चन में डाउट हो या किसी भी टाइप का क्वेश्चन में, तो कमेंट करें।